चलिए खबर भोपाल से मिल रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल जाएंगे, राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम की जानकारी लेंगे, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल के लिए रवाना होंगे, राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज समीक्षा बैठक लेने जाएंगे, जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम की जानकारी लेंगे। बता दें बड़े स्तर पर जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाना है, जिसके चलते आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शहडोल पहुंचेंगे, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। की बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ देर पहले ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि राष्ट्रपति मुर्मू को उन्होंने मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी के तहत शहडोल पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाना और इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी लेंगे, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा फोन लाइन पर जुड़ चुके। विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल पहुंच रहे हैं और जनजाति गौरव दिवस के मौके पर आज जानकारी लेंगे और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो अधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे, तो किस तरह की तैयारियां होने वाली है? बिल्कुल, अमृता मध्य प्रदेश में गौरव दिवस को लेकर जिस प्रकार से बड़ा भव्य कार्यक्रम करना है, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहडोल पहुंचे, क्योंकि शहडोल में सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है गौरव दिवस का वो मनाया जाएगा, जिसके चलते पैंच से सीधे शहडोल जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो पैंच नेशनल टाइगर रिजर्व में करीब 2 दिन के दौरे, निजी दौरे पे थे और लगातार उनकी जो धर्मपत्नी है साधना सिंह वो भी पैंच नेशनल पार्क में थी, जिसके बाद वहां से रवाना हो गए शहडोल के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जो 15 नवंबर को जो बड़ा कार्यक्रम होना है उसके लिए अधिकारी को दिशा निर्देश भी देंगे, क्योंकि बात की जाए बीजेपी सरकार की तो लगातार बीजेपी सरकार आदिवासियों को गौरव दिवस को पूरे मध्य प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाने को लेकर काम कर रही है। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल राजधानी भोपाल में गौरव दिवस के दिन एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में तो हर जगह, हर तहसील, हर जिले में तो कार्यक्रम मनाया गया था, मगर राजधानी में एक बड़ा कार्यक्रम मनाया गया था। एक बार फिर शहडोल में ये जो 15 नवंबर के दिन जनजाति गौरव दिवस के का जो कार्यक्रम है वो मनाया जाना है, जिसमें तमाम जो आदिवासी वर्ग के जो नेता है, विधायक है, सांसद है, वो सभी वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए जो नई जो योजना है और व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी, क्योंकि शहडोल की अमृता बात करें तो शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अमरकंटक, ये तमाम ऐसे जिले हैं जो आदिवासी क्षेत्र के वर्ग सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं, आदिवासी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको कार्यक्रम है उसको विशाल रूप देने के लिए और किसी प्रकार की जो लोग जो वहाँ आएंगे कार्यक्रम के दौरान उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तमाम दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं भाजपा कहीं ना कहीं लगातार आदिवासियों को साधने का प्रयास कर रही है, उसी के तहत एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है 15 नवंबर को, जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू भी मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश के नाम संबोधन भी करेंगे। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ विवेक, आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पैंच से सीधे शहडोल जाएंगे, पैंच का 2 दिवसीय दौरा स्थगित कर दिया गया है और आज वहां पहुंचकर वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि जो भी इस जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे आदिवासी, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तमाम तैयारियों को लेकर आज समीक्षा की जाएगी।